वेलकम टू प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। हम स्ट्रिंग्स के बारे में बात कर रहे थे और स्ट्रिंग्स के बारे में हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। इस वक्त हम बात करेंगे कि हम स्ट्रिंग्स के अंदर मुख्तलिफ करेक्टर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रिंग चूँकि एक से ज़्यादा करेक्टर्स का मजमूआ हो सकती है, व्हेन यू वांट टू सेलेक्ट सब सीक्वेंसेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग इट इज़ कॉल्ड इंडेक्सिंग। यूज़ द स्क्वायर ब्रैकेट्स लाइक दिस टू स्पेसिफाई विच पार्ट ऑफ स्ट्रिंग यू वांट टू एक्सेस। सो हम इसकी एक छोटी सी मिसाल देखते हैं ताकि हमें ये बात समझ आए कि हम इंडेक्स से मुराद क्या ले रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव अ स्ट्रिंग BSCS मॉर्निंग एंड यू वांट टू सेलेक्ट द कैरेक्टर इन द जीरोथ पोजीशन, यू कैन राइट इट लाइक दिस। सो लेट्स जस्ट गो एंड सी। मेरे पास फर्स्ट करें कि एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है BSCS मॉर्निंग, राइट? सो दिस इज़ माई स्ट्रिंग। मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोई नंबर लिख रहा हूँ और नंबर मैंने लिखा है ज़ीरो। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसके ज़ीरोथ कैरेक्टर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि है बी, राइट? तो बुनियादी तौर पे स्ट्रिंग्स जो होती हैं उनकी लोकेशंस इंडेक्स्ड होती हैं। मिसाल के तौर पे इसके ज़ीरोथ इंडेक्स पे बी है, फर्स्ट इंडेक्स पे एस है, सेकेंड इंडेक्स पे सी है, थर्ड इंडेक्स पे एस है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट? तो स्ट्रिंग बुनियादी तौर पे उनकी जो भी लेंथ होती है वो उनकी जो लोकेशंस होती हैं वो नंबर्ड होती हैं, और लोकेशंस के जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा सफ़र से शुरू होते हैं। सो मिसाल के तौर पे अगर एक स्ट्रिंग के अंदर 10 कैरेक्टर्स हैं तो उसके इंडेक्स जो होंगे वो 0 से लेके 9 तक होंगे। सो लाइक यू नो, अगर हम यूँ लिखते हैं BSCS 0, तो इसका फर्स्ट कैरेक्टर आ जाता है जो ज़ीरोथ लोकेशन पे पड़ा हुआ है, वो बी है। और अगर हम यूँ लिखें BSCS और हम आगे इसके अंदर जो लोकेशन दे रहे हैं वो दे रहे हैं 1+1, तो आपके ख़्याल में क्या आना चाहिए? जी हाँ, इट इज़ सी। सो ये सी क्यों आया? तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली एक नंबर लोकेशन देने की बजाय हमने 1+1 लिखा, यानी एक एक्सप्रेशन है जो पहले एवेलिएट होगा। 1+1 जब करेंगे तो ये क्या बनेगा? 2। तो स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग की सेकंड लोकेशन पे क्या है? 0th लोकेशन पे बी है, फर्स्ट लोकेशन पे एस है, और सेकंड लोकेशन पे सी है। सो अगर हम एक एक्सप्रेशन के तौर पे भी इसको देंगे तो एक्सप्रेशन एवेलुएट होके एक नंबर की फॉर्म में आएगा, और फिर उस लोकेशन पे पड़ी हुई जो भी वैल्यू होगी, जो भी कैरेक्टर होगा, वो हम एक्सेस कर पाएंगे। सो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हम नेम ले लेते हैं। नेम के अंदर हम एक स्ट्रिंग बनाई हमने, और हम नेम के अंदर फॉर एग्जांपल अली ले लेते हैं। तो अब अगर हम नेम के 0th करेक्टर को एक्सेस करते हैं तो हमारे पास ए आता है, फर्स्ट करेक्टर को एक्सेस करते हैं तो एल आता है, और सेकंड करेक्टर को एक्सेस करते हैं तो आई आता है। तो बुनियादी तौर पर यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्टली स्ट्रिंग को इंडेक्स करने की बजाय हमने एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर की। जैसे कि हम जानते हैं कि वेरिएबल नेम वैल्यू पेयर होता है, तो हम यहाँ पे नेम के अंदर अली स्टोर किया हमने, और फिर हमने डायरेक्टली स्ट्रिंग की बजाय हमने उस वेरिएबल को इंडेक्स कर लिया। नेम ऑफ 0 हमें ए दे रहा है, नेम एट 1 हमें एल दे रहा है, और नेम एट 2 हमें आई दे रहा है, राइट? सो इस तरीके से हम वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग को स्टोर करके उसको भी इंडेक्स कर सकते हैं, विच इज़ अपेरेंटली एंड मोर अप्रोप्रिएट वे। स्ट्रिंग्स के नेगेटिव इंडेक्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं -1 लिखूं तो मुझे स्ट्रिंग का आखिरी कैरेक्टर मिला। तो जैसे ये स्ट्रिंग है ALI, इसमें अगर हम ए की बात करें तो इसकी लोकेशन 0 है, L की बात करें तो इसकी लोकेशन 1 है, और अगर I की बात करें तो इसकी लोकेशन 2 है। इसी तरीके से हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग आखिर से शुरू होती है, जैसे पॉजिटिव इंडेक्सिंग शुरू से शुरू कर रहे हैं हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसी तरीके से अगर हम राइट टू लेफ्ट लें तो हम नेगेटिव इंडेक्सिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से शुरू होती है, -1 का मतलब होता है आखिरी कैरेक्टर, सो दैट इज़ आई। अगर मैं -2 लिखूँ तो इट विल गिव मी एल, और अगर मैं -3 लिखूँ तो इट विल गिव मी ए। सो हमने -1 को ट्राई कर लिया, -2 भी देख लेते हैं, दैट इज़ एल एज आई सेड, और अगर हम -3 लिखें तो दैट विल गिव मी ए। सो हम हमारे पास स्ट्रिंग में पॉजिटिव इंडेक्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं, जो बुनियादी तौर पे हम 0 से शुरू करते हैं लेफ्ट टू राइट, और हमारे पास नेगेटिव इंडेक्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि हम राइट टू लेफ्ट रीड करते हैं, और वो -1 से स्टार्ट करते हैं। सो बोथ कैन बी यूजफुल फॉर अस। मोस्ट ऑफन पॉजिटिव इंडेक्सेस हमारे लिए काफ़ी साबित होते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे लिए नेगेटिव इंडेक्सेस को इस्तेमाल करना सूटेबल साबित होता है। सो सिचुएशनली हम इन दोनों से इस्तेफादा कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे अगर मैं, हम जानते हैं कि जो हमारे पास नेम है उसके अंदर हमारे पास ए एल आई तीन करेक्टर्स पर मुश्तमिल एक स्ट्रिंग है, तो अगर मैं और उनके लोकेशंस 0, 1 और 2 हैं, व्हाट हैपेंस इफ़ आई राइट 3 हियर। अब 3 जो है वो बुनियादी तौर पे वैलिड लोकेशन नहीं है स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग के अंदर तीन लोकेशंस हैं जिनके नंबर 0, 1 और 2 हैं। सो 3 जो है वो बुनियादी तौर पे फोर्थ कैरेक्टर को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, और 4 कैरेक्टर्स इस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करते, फोर्थ कैरेक्टर इज़ नॉट देयर। सो इस केस में यू सी वी हैव रिसीव्ड एन इंडेक्स एरर। जैसे हम पहले नेम एरर की बात कर रहे थे, टाइप एरर की बात कर रहे थे, इसी तरीके से हमारे पास एक इंडेक्स एरर आया विच सेज दैट स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब हमने ये जो स्ट्रिंग थी जिसका नाम नेम था, उसका जो इंडेक्स हमने एक्सेस करने की कोशिश की 3, वो बुनियादी तौर पे स्ट्रिंग की वैलिड रेंज के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। सो वी हैव रिसीव्ड एन एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। सो रेंज के अंदर कौन से इंडेक्स हो सकते हैं, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या अगर हम नेगेटिव लें तो -1, -2 और -3 हो सकते हैं। सो उसके बियॉन्ड कोई भी हम इंडेक्सेस अगर लेंगे तो वो स्ट्रिंग की वैलिड रेंज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे, लिहाजा वी कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ एन एरर। सो जस्ट टू रिविजिट, वी हैव अ लिटिल क्विज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है, एस उसका नाम है, और उसके अंदर कोई भी वैल्यू मिसाल के तौर पे हो सकती है। विच ऑफ दीज पेयर्स आर टू थिंग्स विद द एग्जैक्ट सेम वैल्यू, राइट। सो हमें कहा गया है कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग है एस, और हम उसके अंदर हमें ये कहा गया है कि हम ये पढ़ के बताएं कि कोई भी दो चीज़ें क्या हमें सेम वैल्यू दे रही होंगी। तो पहली चीज़ है एस एट थर्ड लोकेशन, और यहाँ क्या है s एट 1+1+1। आप जानते हैं कि 1+1+1 इज़ इक्वल टू 3, सो ये एक्सप्रेशन भी इवेल्युएट होकर 3 ही बनेगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज़ को ये लोकेशन, जिस लोकेशन को इस एक्सप्रेशन के ज़रिए एक्सेस किया जाएगा और इसके ज़रिए किया जाएगा, वो दोनों सेम ही होंगे। ये भी थर्ड लोकेशन, सॉरी फोर्थ लोकेशन पे, यानी थर्ड इंडेक्स पे पड़े हुए करेक्टर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है एक्सप्रेशन, और सिमिलरली ये भी थर्ड इंडेक्स पे पड़े हुए करेक्टर को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। अगर हम इसकी एक मिसाल ले लें, फर्ज करें हम एक स्ट्रिंग लेते हैं एस, और हम उसमें स्टोर कर लेते हैं जो हमारे करेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम वोवल्स कहते हैं, वो हम स्टोर कर लेते हैं, राइट। सो अब अगर मैं एस एट 3 एक्सेस करता हूँ, आई रिसीव ओ। सो 0, 1, 2, 3 थर्ड इंडेक्स पे ओ पड़ा हुआ है। सो इसी तरीके से अगर मैं एस ऑफ 1+1+1 लिखूँ, इट विल आल्सो गिव मी ओ, राइट। सो दिस इज इक्विवेलेंट, ये दोनों इक्विवेलेंट है, एस ऑफ 3 एंड एस ऑफ 1+1+1 गिव मी इक्विवेलेंट रिजल्ट। उसके बाद हमसे पूछा गया कि क्या s एट 0 एंड s प्लस s एट 0, क्या ये हमें सेम रिजल्ट्स देंगे। यू कैन गेस इट योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन वी कैन गेट बैक टू दिस। सो अब s एट 0 क्या है कि किसी भी स्ट्रिंग के पहले करेक्टर को एक्सेस करें, और अगर हम s के अंदर s को ऐड करें तो हम जानते हैं कि ये स्ट्रिंग कंकेटनेशन होगी, राइट।
सो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का मतलब क्या होगा कि जो स्ट्रिंग एक बार लिखी गई है उसी स्ट्रिंग को दो बार लिखते और फिर उसके जीरोथ करेक्टर को एक्सेस कर लें। तो स्ट्रिंग को दो बार लिखें, तीन बार लिखें, चार बार लिखें, उससे उसके पहले करेक्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा ये भी हमें सेम ही रिजल्ट देगा। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं, एस ऑफ ज़ीरो हमें ये दे रहा है, और अगर हम एस प्लस एस कर लें तो ये दो स्ट्रिंग्स को कंकेटिनेट करके, यानी ए ई आई ओ यू और ए ई आई ओ यू दो बार लिखा जाएगा, और उसके बाद हम इसके ज़ीरोथ करेक्टर को एक्सेस करें तो पहला करेक्टर के ऊपर कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ेगा, लिहाजा ये भी हमें सेम रिजल्ट देगा। तीसरी हमारे पास केस है विच इज़ एस एट ज़ीरो प्लस एस एट वन। अब होगा क्या कि ये ज़ीरोथ करेक्टर को एक्सेस करेगा और ये फर्स्ट करेक्टर को एक्सेस करेगा, और इनके दरमियान हो जाएगी कंकेटिनेशन, यानी ज़ीरोथ करेक्टर ए है और फर्स्ट करेक्टर फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ करेक्टर ई है, तो इन दोनों की कंकेटिनेशन हो जाएगी और हमारे पास जवाब आएगा ए ई, यानी दो करेक्टर्स आएंगे। जबकि इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ क्या है, एस एट ज़ीरो प्लस वन। अब यहाँ पे हम चूँकि एक ही इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होंगे, विच विल बी ज़ीरो प्लस वन विच इज़ एक्चुअली वन, सो दिस विल इन इफेक्ट एक्सेस द करेक्टर एट इंडेक्स वन विच विल बी ओनली। सो ये दो करेक्टर्स को एक्सेस करेगा और ये सिर्फ एक ही करेक्टर को एक्सेस करेगा, सो दिस इज़ नॉट ए कैबलेंट। ए एंड बी वर बोथ द केसेस वेयर बोथ